हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया। क्या आपको पता है कि यूनिवर्स आपको कुछ साइन दे रहा है जिससे आपको पता चले कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, पर आप इतने कंफ्यूज हो कि आपको पता ही नहीं है कि सच में ये एक साइन है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से साइंस है जो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करेंगे। तो आपको आपकी करंट सिचुएशन पर गौर करना है और देखना है कि क्या आप हाल ही में कुछ सीरियस हर्डल्स का सामना कर रहे हो, या आपने कुछ सीरियस हर्डल्स का सामना किया है, या आप अभी भी कुछ मुसीबतों का सामना कर रहे हो। तो मान लो ये आपकी मैनिफेस्टेशन का साइन है जो आपके गार्डियन एंजल्स और यूनिवर्स ने आपको भेजा है। आपने हाल ही में कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस का सामना किया है जो मोस्टली अनप्लीजेंट और डिसएग्रीएबल है। हालांकि सामना करना और उन मुसीबतों को दूर रखना मुश्किल है, वास्तव में उन्होंने आपको मानसिक रूप से मजबूत किया है और अधिक आत्मविश्वास से आगे बढ़ने में मदद की है। जैसे कि आप जानते हैं, अपने जीवन में अधिक सकारात्मक अनुभव और लोगों को आकर्षित करने के लिए आपको अपनी एनर्जी वाइब्रेशंस को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। इसे अचीव करने का एक तरीका जीवन में चुनौतियों का सामना करना भी होता है। जब आप अपने रास्ते में एक प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो आपका दिमाग खुद ही इसे दूर करने के समाधान की खोज करता है। ये आपके दिमाग की एक इनवॉलंटरी रिएक्शन है जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। आपके रास्ते में आने वाली बाधाओं और काबू पाने वाले ये प्रोसेस एक लर्निंग प्रोसेस की ट्रिगर करता है जो आपको बेहतर बनाने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, मैच्योर होने या सुधरने में मदद करता है। पर आपको उस समय ये महसूस नहीं होता क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम से घिरे हुए होते हैं। आप यूनिवर्स से एंग्री, डिप्रेस्ड, बेटर या निराश महसूस करते हैं और यूनिवर्स को दोष देना चालू कर देते हैं। पर आप ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि ये आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का ही पार्ट है। जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे चुनौतियों के बिना आपका जीवन स्मूथ और इवेंटलेस होगा, जहां आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं होगी। तो अगर आप जिंदगी में सीरियस हर्डल्स को फेस कर चुके हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस की सारी एग्जाम्स आपने पास कर ली है। जब आप कुछ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीजें एक साथ अट्रैक्ट हो जाती है, जिसमें प्रॉब्लम्स और चुनौतियां और बाधाएं भी आती है। इसका मतलब ये है कि आप सही रास्ते पे हैं और आप मैनिफेस्ट करने की प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए सारी चीजें आपकी ओर खींच चली आ रही है, उसमें प्रॉब्लम्स भी होती है। तो दोस्तों, आपको इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है ना चिंतित होना है। आपको बस अपनी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पे ध्यान रखना है और आपकी विश अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगी। ये यूनिवर्स का बहुत बड़ा साइन है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग किसी भी चीज में हेल्प चाहिए या आपको किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे पता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इस वीडियो को लाइक करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करोगे। अगर आपको यूनिवर्स के और साइंस के बारे में पता करना है तो आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं और मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ लवली एंड मैजिकल डे और नाइट।